चलिया। जिस तरीके से आपने दोनों ने परफॉर्म किया है, मैं कहूंगा कि कामुकता की पूरी दुकान यहाँ पे आपने खोल दी। सच में साध्वी गुस्ताखी होगी, बट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस डेट पे चलोगी? It was that hot. I was like, wow. Especially that moment. जिस तरीके से आपने अपने बॉडी को यूज किया है, द डांसिंग वाज प्योर केमिस्ट्री। मतलब लग रहा कि थी ना जो नॉर्थ साउथ पोल की जो यू नो जो मैग्नेट्स होते हैं, लोक चमक, ऐसे चिपक गए आप लोग। थैंक यू सर। ये वर्ड जो चुम्मेश्वरी, ये अगर कोई एक्ट को फिट होता है तो ये जरूर इट मैचेस। थैंक यू सो मच। चुम्मेश्वरी It was unbelievable from beginning to end. It was, मतलब हम लोग सीट पे ऐसे बैठे, we were like this. मतलब at one point I thought I will go and hug Terence. Why not? अगर आप ऐसे performances दोगे तो there is nothing that is going to stop us from giving you this. And Himanshu, from me to you, beautiful, brilliant. Brilliant. समुद्र मंथन में से निकले सारे रत्नों का विभाजन देवताओं और असुरों में बराबरी का हुआ। Very nice. पर जब उसी मंथन में अमृत कलश का आरंभ हुआ,
तब असुरों ने वो देवताओं से छीन लिया। इसलिए अमृत कलश को असुरों से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने एक रूप धारण किया, मोहिनी। ये सुंदरी कौन है? ये अमृत असुरों और देवताओं के बीच मैं बराबर बांटूंगी। ये अमृत देवताओं के पक्ष में ही होना चाहिए। अरे ये तो देवता के रूप में असुर राहु केतु है। और इस प्रकार राहु केतु के वध के बाद उन दोनों का परिवर्तन दो ग्रहों में हुआ और मोहिनी धारण किए भगवान विष्णु ने अमृत कलश देवताओं को सौंप दिया। चलिए प्रभु से पूछते हैं। अरुण जी, असुर और देवता, मोहिनी, अमृत मंथन, ये सब अगर आप देखें तो हमारे आज के जीवन में इतना ज्यादा लागू होते हैं अभी भी। अमृत मंथन जैसे हमारा अपना जीवन, कि हम उस जीवन में से क्या क्या निकाल पाते हैं। असुर यानी हमारी बुरी प्रवृत्तियां, हमारी बुरी आदतें, देवता यानी हमारी अच्छी आदतें, मोहिनी यानी हमारा मोह माया, ये सारा कुछ। इतने अच्छे अच्छे गुणों को लेकर आपने जो ये परफॉर्मेंस किया है, बात फिर वहीं आ जाती है भारती जी, कि इन बच्चों के बारे में क्या कहें, ये तो अपने आप में पूरे हैं। ये बच्चे हैं ही नहीं काम के हिसाब से। अब इन बच्चों में क्या मुझे लगता है मालूम है, हमारे पाँव में कांटा चुभ जाता है कभी कभी, और जब पाँव में कांटा चुभ जाता है तो उसके अलावा फिर और कुछ ध्यान नहीं रहता। तो इन बच्चों के पाँव में इंडियाज बेस्ट डांसर होने का जो कांटा चुभ गया है ना, वो इन्हें कहां ले जाएगा वो इन्हें भी नहीं पता। क्या बात, यहां जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सब के सब इस लायक हैं कि वो इंडियाज बेस्ट डांसर हैं ही। यू बोथ ऑफ यू आर डू गुड। ऋतुजा आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ऑल द बेस्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.